तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको डील कैसे खेलते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, और लास्ट में आपको विन करके विड्रॉल कैसे करते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। तो डील रूम में शो कैसे करते हैं, मतलब कैसे खेलेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों देख लिया, जंगली रूम में ओपन कर लिया। जंगली रूम में ओपन करने के बाद डायरेक्ट मैं डेल पे चला जाता हूँ। डेल पे चला जाने के बाद डायरेक्टली आपके सामने टू प्लेयर वाला ओपन हो जाएगा। टू प्लेयर वाला और ओपन होने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं है, आपके सामने टू एक प्लेयर आ जाएगा। एक प्लेयर आने के बाद डायरेक्टली आप खेल सकते हो। दोनों में से एक प्लेयर आ जाएगा जाने के बाद डायरेक्टली मैं एक प्लेयर आने के बाद डायरेक्टली मैं खेल लेता हूँ। ये देख लीजिए, मैं खेल चुका हूँ टू प्लेयर वाला, तो कार्ड वाला ये साइड वाला विनिंग हो जाता है। तो ये देख लीजिए, थ्री जोकर आ जाता है। थ्री जोकर आने के बाद मेरे पास बहुत अच्छा खासा कार्ड भी आ जाता है। बहुत अच्छा खासा कार्ड आने के बाद डायरेक्टली मैं शो मारने के लिए एक कार्ड चाहिए मेरे को। सिर्फ एक कार्ड आने के बाद डायरेक्टली मेरा कंफर्मली शो हो जाएगा। एक प्योर सिक्वेंस है, पान का, गुल्लम, बेगम और बादशाह। ये पान का मैं प्योर सिक्वेंस है। तो ये देख लीजिए, उसने बादशाह दे दिया तो मेरा शो हो गया। तो मैं गुल्लम का शो मार लेता हूँ। गुल्लम का शो मारने के बाद डायरेक्टली तीन जोकर है मेरे पास। एक जोकर में बेगम और बादशाह और शेड और इनप्योर सीक्वेंस। तो दोनों का दोनों डायरेक्टली मेरा कंफर्म शो हो गया। शो होने के बाद डायरेक्टली उसने 27 पॉइंट दे दिया। 27 पॉइंट के नीचे मेरे को 26 पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी मैं विनिंग हो चुका हूँ। तो आप देख सकते हो, देख लीजिए आपके सामने मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ। तो आने के बाद एक जोकर आ गया मेरे पास। एक जोकर आने के बाद डायरेक्टली मेरे पास अच्छा खासा कार्ड आ जाता है। अच्छा खासा कार्ड आने के बाद डायरेक्टली मैं विनिंग गेम प्ले में विनिंग हो जाता हूँ। तो मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस और सेट है और एक इनप्योर सीक्वेंस है। अभी पॉइंट बचा है मेरे पास, 21 पॉइंट बचा है। तो मैं विनिंग हो चुका हूँ एक गेम प्ले। अभी डायरेक्टली मैं शो कैसे मारती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो 8 नंबर तो नहीं चाहिए मेरे को, तो गुल्लम आ गया तो मैं रख लेता हूँ। 7 नंबर को डिस्कार्ड कर लेता हूँ। 7 नंबर को डिस्कार्ड करने के बाद डायरेक्टली कौन सा भी एक पत्ता 4 नंबर आ गया, हुक्म का 5 नंबर आ गया, तो 4 नंबर दे दिया उसने। तो मैं शो 6 नंबर का हुक्म का मार लेता हूँ। 6 नंबर का शो मारने के बाद डायरेक्टली मैं विनिंग हो चुका हूँ। तो मैं 176 रुपीज़ विनिंग हो चुका हूँ। तो मैं ये विड्रॉल कैसे करते हैं इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आपके सामने ये देख लीजिए, 176 रुपीज़ मैं विनिंग हो चुका हूँ। तो अभी मैं विड्रॉल कैसे मारती हूँ इसके बारे में बताऊँगा। विड्रॉल मारने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे मेन्यू पे चला जाना है। मेन्यू पे चला जाने के बाद मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट और पैन कार्ड यूज़ हो चुका है, पूरा का पूरा प्रोफाइल डिटेल डाल चुका है। तो आपको मैं विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको 176 रुपीज़ आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं 176 रुपीज़ विड्रॉल करके दिखाऊंगा। तो मैंने ऊपर 176 रुपीज़ डाल दें, तो विड्रॉल पे क्लिक कर लें। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, 176 क्रेडिट हो गया। एक क्लिक थ्रू आपको जंगली रमी में एक क्लिक थ्रू आपको विड्रॉल हो सकता है। उसमें मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी। ये देख लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यूर विड्रॉल वॉज सक्सेसफुली। तो ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है। विड्रॉल सक्सेसफुल होने के बाद मैं आपको डायरेक्टली लास्ट एंट्री ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, आपके सामने नीचे विड्रॉल डिटेल पे चला जाता हूँ। विड्रॉल डिटेल पे चला जाने के बाद नीचे आपको ऊपर आपको 176 का फुल फिलेट दिख रहा होगा। ऊपर आपको देख लीजिए, फुल फिलेट 176 रुपीज़ दिख रहा होगा आपको सामने। इसे आपको विड्रॉल कर लेना है। तो ये विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया और मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़, 176 रुपीज़ क्रेडिट भी हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी सिलेक्ट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।